प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी को हराकर सांसद बनी स्मृति ईरानी मंत्री बनने के बावजूद लगातार इलाके में सक्रिय हैं। हाल ही में वो दो दिन के अमेठी दौरे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने बीच सड़क पर लोगों के साथ खड़े होकर गन्ने के जूस का स्वाद लिया और जो लोग वहाँ खड़े थे उनको भी जूस पिलाया। लेकिन जब पैसे देने के लिए दुकानदार का नाम पूछा और गन्ने के जूस का हिसाब किया तो रोचक मामला सामने आया। दरअसल स्मृति ईरानी दो दिन के अमेठी दौरे पर थी। यहाँ उन्होंने जन चौपाल का आयोजन कर स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना और अधिकारियों को तुरंत निर्देश भी दिया। हाल ही में अमेठी विधानसभा सीट के भी चुनाव हुए हैं और उसके बाद स्मृति ईरानी का यह पहला दौरा था। अमेठी के वारिसगंज में उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और वो सीधे एक गन्ने की दुकान पर पहुंची। यहां लोगों के साथ भी सड़क पर खड़े होकर दुकान पर स्मृति ईरानी ने गन्ने का जूस पिया। उनके साथ जो स्थानीय लोग खड़े थे उनको भी स्मृति ईरानी ने जूस पिलाया। जब जूस पीकर यहां से रवाना होने लगी तो दुकानदार का हिसाब किया गया। पैसे देते समय स्मृति ईरानी ने दुकानदार का नाम पूछा तो पता चला कि उसका नाम राहुल है, जिसके नाम की ओर स्मृति ईरानी ने चुटकी लेते हुए कहा कि तुम्हारा नाम राहुल है इसलिए हिसाब पूछना पड़ रहा है। स्मृति ईरानी की बात सुनकर वहां खड़े अन्य लोग भी हंसने लगे। आपको बता दें कि अमेठी परंपरागत रूप से गांधी परिवार का संसदीय क्षेत्र रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी से चुनाव लड़ा था, लेकिन तब वो चुनाव हार गई थी। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी वो हार का अंतर काफ़ी कम करने में कामयाब रही थी, जिसके बाद से वो अमेठी में लगातार एक्टिव रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से पार्टी ने यहीं से मैदान में उतारा और स्मृति ईरानी का यहां से जीत मिली। चुनाव जीतने और मंत्री बनने के बावजूद वो लगातार इलाके में एक्टिव रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।